अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह कर दूँ। चौधरी नसार के अंडों से उठने का वक्त गुजर गया। फवाद चौधरी का एक और मुतनाज़ा बयान खलबली मच गई। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ जरदारी चौधरी नसार का कोई मुस्तकबिल नहीं। नवाज शरीफ जरदारी चौधरी नसार माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी नसार को जब मौका था तब वो अंडों से उठे नहीं। चौधरी नसार के अंडों से उठने का वक्त गुजर गया, अब अंडों से बच्चे निकल आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तकरीर से खताब करते हुए कहा कि शुगर माफिया पाकिस्तान में लंबे अरसे तक बरसर इकतदार रहा है। नवाज शरीफ और जरदारी शुगर माफिया के लोग हैं, उन्होंने ज़रात को नुकसान पहुँचाया। खुशिया जरदारी साहब को एक और केस में गिरफ्तार किया गया। 10 सालों में लिया गया कर्जा कहाँ गया? उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में जिसने करप्शन की सब जेलों में जाएंगे। सिंध में 9000 अरब गया वो कहाँ लगा? वफाकी वजीर ने कहा कि गवर्नर सिंह जादूगर आदमी है। कराची की सबसे बड़ी जमात MKM नहीं तहरीक इंसाफ है। वजीर आजम इमरान खान जब गवर्नर सिंध को कहेंगे तो सिंध में तब्दीली आएगी। उन्होंने कहा कि नून लीग को तोड़ने में सबसे अहम किरदार मरियम नवाज़ ने अदा किया। नून लीग को हम नहीं तोड़ रहे, जब शहबाज शरीफ लंदन गए तो मरियम नवाज़ ने पार्टी पर कब्जा कर लिया। फवाद चौधरी ने कहा कि हमारी हुकूमत में करप्शन का एक स्कैंडल भी सामने नहीं आया। ऊपर की करप्शन ख़त्म हो गई है, निचली सतह पर करप्शन में कमी आई है। निचली सतह पर करप्शन का खात्मा भी ज़रूरी है। तो नाज़रीन, आप इस पर क्या राय रखती हैं? अपनी राय के इस फॉरम में कमेंट बॉक्स में दें। मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल लाजमन सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।